तो कुछ ही घंटे बाकी हैं जब लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। 19 अप्रैल को जनता घरों से निकलेगी और नेताजी की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। 21 राज्य और 102 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए और इंडिया के बीच प्रचार के सहारे जोरदार प्रहार हो रहा है, लेकिन किस्मत का ताला किसका खुलेगा यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। क्या है पहले चरण के रण का गुणा गणे, समीकरण किस पर बैठ रहे हैं फिट, ये जानेंगे अपने दो सहयोगियों के साथ। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। आप देख सकते हैं जालौर से अंकित गुप्ता नजर आ रहे हैं और न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। और जो खबर आ रही है, पहले चरण के चुनाव प्रचार का चूंकि आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार का शोर थमने वाला है और प्रचार थमने में लगभग 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण का जो चुनाव होना है उसके बारे में कुछ अहम जानकारी अब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 2024 का रण बड़ा भीषण हम क्यों कह रहे हैं, समीकरणों के जरिए, आंकड़ों के जरिए आप समझिए। तारीख 19 अप्रैल जो पहले चरण का मतदान होना है, कुल सीट 102, कितने राज्यों में चुनाव हो रहा है, 21 राज्यों की अलग अलग लोकसभा सीटों पर कुल 1625 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत तय होगी, उनके लिए लोग मतदान करेंगे। और पहले चरण में टिकट कितने काटे गए हैं अलग अलग दलों की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। समझिए जरा इस समीकरण को भी, अलग अलग पार्टियां देखिए, इधर बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, बीएसपी, एसपी। बीजेपी ने 2019 में जो 40 उनके विनर थे, जो जीते थे इन सीटों पर, उनमें से 20 को ही रिपीट किया और 20 के टिकट काट दिए गए, यानी लगभग 50% जो लोग थे, प्रत्याशी थे, उनके टिकट काट दिए गए। कांग्रेस में आप देखेंगे ये आंकड़ा 15-8 का है, यानी 15 में से 8 को ही रिपीट किया गया, जबकि डीएमके ने 24 में से 11 को रिपीट किया है। वहीं बीएसपी ने 3 में से किसी को भी रिपीट नहीं किया है। एसपी की बात की जाए तो 2 जो उनके 2019 में जीते थे लोग, 2 जो उनके प्रत्याशी जीते थे, उन्होंने भी उन्हें रिपीट नहीं किया, यानी 100% टिकट काटा गया बीएसपी में, एसपी में। ये आपके सामने वो तमाम आंकड़ा, किसके कितने टिकट कटे हैं। आइए मैं आपको जालौर लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, किस लिहाज से पहले चरण का जो ये मतदान होने जा रहा है महत्वपूर्ण नजर आता है, क्या आंकड़े दिख रहे हैं, क्या समीकरण समझ में आ रहा है? देखिए अखिलेश, इस वक्त अगर हम पहले चरण के मतदान की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि ये एक मोमेंटम बनाता है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां पर जो शुरुआती चरण का मतदान है वो वेस्टर्न यूपी से शुरू होता है, और वेस्टर्न यूपी में बीजेपी अगर अपना एक मोमेंटम बना पाती है तो उसका फायदा उसको आगे जो है वो इलाकों में मिलता है जहाँ पर उसको काफ़ी मजबूत माना जाता है। और इसी वजह से ये वो बात हुई उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जालौर, यहां पर हालांकि दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। और इस वजह से बहुत सारे लोग यही नजर बनाए हुए हैं कि आखिर जो लगातार बीजेपी और एनडीए का दावा है 370 और 400 पार का, क्या पहला चरण का मतदान उस ओर ले जाता दिख रहा है? अखिलेश, क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, बहुत सारे मतदाता यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, इनका अपना क्या आकलन है। सबसे पहले अगर हम पूरे देश के लिहाज से बात करें, बीजेपी कहां तक जाती हुई दिख रही है? बीजेपी नागौर से, बाड़मेर से, पूरे देश के हिसाब से पूरी राज्य पूरे जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है? बीजेपी की सीटें लगभग 200 के आसपास आएगी। 200 के आसपास 370 का दावा कर रही है। देखो ऐसा है कि सरकार तय है कि बीजेपी की तरफ सरकार बननी है। 370 सीटें, 350-370। चलिए अंकित, आपको लग रहा है नहीं है, आपका क्या? 300 के लगभग सीटें आ रही है। तो देखिए अखिलेश, लोगों की अपनी अपनी जो है यहाँ पर बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक मोमेंटम किसके फेवर में, प्रचार के आखिरी दिन एक्शन में। दरअसल इंडिया गठबंधन भी है, यूपी में पहली बार एक मंच पर दिग्गज नेता नजर आए और गाजियाबाद में राहुल अखिलेश एक साथ दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को 150 सीट ही आएगी। अखिलेश यादव ने कह दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। तो तमाम दावे सभी की ओर से है, चूंकि चुनाव का वक्त है, जाहिर तौर पर कोई नेता यह नहीं कहेगा कि वो हार रहा है, सबके अपने अपने दावे हैं, सबका यह कहना कि हम जीत रहे हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भी बयान है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव
इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। तो विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि अंडर करंट है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिन 102 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है उन सीटों की 2019 में क्या तस्वीर थी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइएगा। 102 सीटों के का हाल हम आपको बता रहे हैं। यहां पर वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से आप देखिए तो 70% मतदान हुआ था। 70% से ज्यादा 49 सीटों पर लोगों ने मतदान किया था। 70% से कम वोटिंग हुई थी 53 सीटों पर और 80% प्लस 80% प्लस वोटिंग 16 सीटों पर, जबकि 50% से भी कम एक सीट पर उस वक्त वोटिंग हुई थी। साल 2019 की हम बात कर रहे हैं। ये जो 102 सीटें हैं, पुरुष से ज्यादा महिला वोटिंग 54 सीटों पर, सबसे ज्यादा वोटिंग का जो प्रतिशत रहा था वो अरुणाचल ईस्ट में 87% मतदान यहां पर हुआ था, ये पोलिंग सबसे अधिक। सबसे कम वोटिंग की बात की जाए तो करौली, धौलपुर, ये राजस्थान में है, जहां पर 55.2% ही मतदान हुआ था। इन सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां अभी चुनाव होने वाला है। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास। आशीष, अभी कुछ देर पहले हमने अखिलेश यादव का राहुल गांधी का बयान दर्शकों को सुनवाया। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेता कहेंगे कि अंडर करंट है, लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले उन्हें लग रहा था कि 180 सीटें आ जाएंगी एनडीए की, लेकिन आप 150 ही का अनुमान वो जाहिर कर रहे हैं। क्या हो गया होगा इस तरफ 15-20 दिनों में, आखिर क्या उसका आधार हो सकता है? देखिए, 102 सीटें जब कॉन्टेस्ट में जा रही हैं तो निश्चित तौर पर वो जानते हैं कि उन्हें राइट नॉइजेज, वैसी बातें करनी होंगी जिससे कम से कम कार्यकर्ता अपबीट रहे। और पता है, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अखिलेश, वेल बिगन इज हाफ वर्क डन। जब चुनाव हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, तो हमारा आप बैठ करके इसका आकलन भी करते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने लोग निकले, कौन से समुदाय के निकले, कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई, महिलाएं कितनी निकली, युवा कितने निकले, और उससे एक आधार पता चलता है कि किस तरह का ट्रेंड रहा, आगे कैसा होगा। राहुल गांधी की जहां तक बात करूं, आप कह रहे हैं, मुझे याद है 2019 में भी वो कहा करते थे कि मोदी सरकार अब चुनकर नहीं आएगी, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी फिनिश है, लेकिन उसके बावजूद क्या नतीजा हुआ था हमने देखा था। मुझे लगता है कि सिर्फ मोराल बूस्ट करने के लिए बयान था। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनका अपना कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा, अखिलेश यादव के साथ बैठे थे, इंडिया अलायंस के टॉप टू लीडर्स हम कह सकते हैं, और एबीपी सी वोटर का जो सर्वे था उस पर भी अगर हम अपने आर्ग्यूमेंट को बेस करें तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर चेहरा जरूर है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अभी तक डिक्लेयर्ड फेस नहीं है। तो बातें जरूर बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट में कौन चेहरा है नरेंद्र मोदी के सामने, ये एक बड़ा चैलेंज है। डिस्पाइट दैट, मुझे लगता है कि सबको पता है कि बड़ा क्रूशियल रहने वाला है, और खास करके जैसा अंकित जिक्र कर रहे थे, वेस्टर्न यूपी से माहौल पता चलेगा कि किस तरह का बिल्डअप हो रहा है। सो मुझे लगता है कि पूरा दमखम के साथ उतरना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से आखिरी दिन कैंपेन में हमने देखा, इसी दिन को चुना गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी खुल करके प्रचार में उतरे हुए। बिल्कुल, तो अंडर करंट जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जाहिर तौर पर उसके पीछे भी मंशा यही नजर आती है विपक्ष के नेताओं की कि माहौल बनाया जाए कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। चुनाव से पहले यूपी में इंडिया को टेंशन है। एसटी हसन ने अखिलेश की सभा से दूरी बनाई, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुरादाबाद की जगह, उन्होंने कहा मुरादाबाद की जगह जहां बुलाएंगे जाऊंगा। यह भी उन्होंने कहा कि रुचि वीरा वोट मांगने मेरे घर नहीं आई। शायद रुचि वीरा को बहुत घमंड है यह कहना एसटी हसन का। चुनाव सिर उठाकर नहीं, सिर झुकाकर लड़ा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं एसटी हसन, सुनिए जरा। देखिए, अभी तक मैं किसी चुनावी सभा में नहीं गया हूं। अखिलेश यादव जी भोजपुर से यहाँ नहीं आ पाएंगे, अगर उनका आदेश होगा तो मैं जा भी सकता हूँ। वो मेरे पास वोट मांगने भी नहीं आई, तो इतना कॉन्फिडेंस जब उनको है तो ये तो उनकी मर्जी है। एक बार फिर से मैं आशीष कुमार सिंह के पास आपको लिए चलता हूं। आशीष, अखिलेश यादव का बयान, फिर से वही बात, थोड़ी देर पहले हम सुना रहे थे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर इस वक्त कॉन्फिडेंस में नेता नजर आएंगे भी, मजबूरी में ही सही, लेकिन उनके अपने ही जब इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो क्या मतलब निकाला जाए? कॉन्ट्रडिक्शन है ये, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय समाजवादी पार्टी में सिर्फ एसटी हसन क्यों, कई लोगों को टिकट दे करके आखिरी वक्त पर टिकट बदला गया, ये एक चुनौती जरूर है समाजवादी पार्टी के। लेकिन लार्जर वे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, वो क्या पोजीशन लेते हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेता वो हैं, जो वोट बैंक है वो उनके सपोर्ट में सामने आता है, निकल करके उनके चेहरे पर वोट पड़ता है। मुझे लगता है कि एसटी हसन इस तरह के डिफरिंग बयान देंगे उस पर बहुत ज़्यादा प्रेमाइज करके हम अगर कंक्लूजन पे आ जाएं कि उसका वोटिंग वाले दिन नुकसान होगा, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की
पोजीशन कन्वे करते हैं अखिलेश यादव, और उनके चेहरे पर अगर भरोसा करके वोटर्स निकलेंगे तो उसका फ़ायदा हो सकता है। एसटी हसन नाराज़ ज़रूर हैं और वो कह रहे हैं कि उनसे सपोर्ट कर समर्थन मांगने के लिए कैंडिडेट नहीं आई। डिस्पाइट दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से बोलूँगा कि अखिलेश यादव पर कितना लोग वोटर्स भरोसा दिखाते हैं सब कुछ इस पर निर्भर करेगा, ना कि एसटी हसन क्या कह रहे हैं इस पर, ऐसा मुझे लगता है अखिलेश। चलिए और एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक, कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी गारंटी लेकर आया है। आपको बताएं कि असम के नलबाड़ी में मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 4 जून को 400 पार जाने की भविष्यवाणी भी की गई थी और बीजेपी बार बार कह रही है अब की बार 400 पार। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। बीजेपी एनडीए को दिया हर वोट विकसित भारत बनाएगा। आइए एक बार फिर से मैं आपको जालौर लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ वहां पर पब्लिक भी नजर आ रही है। अंकित, जरा उन लोगों से भी बात करिए और पूछिए, ये जो बात बार बार आ रही है ना इस बार चुनाव में, मोदी की गारंटी, उसे लेकर जनता क्या सोच रही है इसे लेकर? बिल्कुल अखिलेश, हम जनता से भी बात करेंगे, लेकिन सबके बीच में यह भी बता देना जरूरी है कि बीजेपी की तरफ से एक नया नैरेटिव अब सेट किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता भी ये बयान दे रहे हैं जो इसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया ना, 400। तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी और एनडीए 400 पार जा रही है और कांग्रेस 40 के लिए लड़ाई लड़ रही है। क्या जनता भी ऐसे ही सोचती है, क्या मानना है आपका? राज्यों में आपको लग रहा है सीटें बढ़ेंगी? ये अब राजस्थान का देख लो, क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, इसमें कोई स्वीप करेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो है कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला कड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, बाड़मेर नागौर में कड़ा मुकाबला है, वहाँ पे कड़ी 400 पार हो रही है बीजेपी, 400 पार नहीं, 400 पार एनडीए हो रहा है, 350 से पौने 400, 250 एनडीए एनडीए। देखिए यहाँ पर जो है एक दो लोग ऐसे हैं जहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं, क्या कह रहे इधर राहुल गांधी वाली बात हो गई, मुझे लग रहा है राहुल जी का इंटरव्यू देख के आए, जी का इंटरव्यू देख करके आए कि अंकित आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दरअसल जो सी वोटर का सर्वे है वो भी राजस्थान को लेकर यही इशारा कर रहा है कि बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले बयानबाजी तेज है, संजय राउत ने कहा कि इस बार पलटेगी बाजी, हवा में उड़ जाएगी बीजेपी की टोपी। संजय राउत ने कहा कि एनडीए 200 के पार नहीं जा पाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 4 जून को देखिए क्या होता है, तो इस बार बाजी पलट जाएगी, ऐसा कहना संजय राउत का। बीजेपी की टोपी उड़ जाएगी, जोरदार हवा है, महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन, बाजी पलटेगी विदर्भ में 4 जून के दिन देखिए क्या होता है। टोटल एनडीए 200 के ऊपर नहीं जा रही है। अब सवाल यह है कि यह उनका विश्वास है या अति आत्मविश्वास है। पहले चरण के प्रचार में उतरी प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रियंका ने रोड शो किया है, इमरान मसूद के लिए प्रियंका ने वोट मांगे हैं। बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने हमला भी किया, उन्होंने कहा कि उन्हें कैसे पता कि 400 पार जाएंगे, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ चुकी है। किस आधार पर कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। तो राहुल गांधी ने ये आंकड़ा 150 तक पहुंचा दिया है, जो प्रियंका 180 फिलहाल कह रही थी। अब हम बात कर लेते हैं जिन चरणों में मतदान होना है, पहले चरण का जो मतदान है, जिन जिन सीटों पर होना है, पहले चरण की अहम बातें क्या है उस पर आप एक नजर डालिए। सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव है, जो लोकसभा के चुनाव अलग अलग फेज में हो रहे हैं। 102 में 9 उम्मीदवार बिलियनियर्स की बात हो रही है, कितने अमीर लोग हैं वो देखिए समझिए। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ सबसे अमीर कैंडिडेट हैं, 716 करोड़ की संपत्ति, और बीजेपी के 77 में से 69, कांग्रेस के 56 में से 49 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इतने अमीर लोग, इतने पैसे वाले लोग, बीजेपी के 77 में 28, कांग्रेस के 56 में से 19 कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस हैं, यानी आप देख सकते हैं जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे हैं वो भी चुनाव के मैदान में। आरजेडी के 4 में से 4 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस है। तो ये हमने आपको पहले चरण के मतदान से जुड़ी कुछ अहम बातें बताई। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता भी हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन पहले आशीष आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी का जो बयान थोड़ी देर पहले हमने सुनवाया,
वो 180 सीट कह रही हैं। राहुल गांधी 180 से 150 पर पहुंचा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो थोड़ी देर पहले अखिलेश में और आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को इनकरेज करने की कोशिश है। 180 सीट प्रियंका गांधी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आपको याद होगा इसी तरह का काउंटर अटैक बीजेपी की तरफ से लगातार चल रहा है, जो आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि 40 या 42 से ज़्यादा कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं दीपा बाफिला का इंटरव्यू देख रहा था अनिल बलूनी साहब के साथ, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे कि 400 प्लस तो बीजेपी को आना है, कांग्रेस तो अब ऑप्शन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए दोनों ही पक्षों की तरफ से ये कोशिश चल रही है कि किसी तरह से अपने आप को मजबूत पोजीशन में दिखाया जाए ताकि वो चुनाव में बने रहें। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत मजबूत पोजीशन में है और कहीं ना कहीं जितने भी हम सर्वेस करा रहे हैं, ओपिनियन पोल करा रहे हैं, उसमें इंडिया अलायंस से काफी आगे है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है ऑपोजिशन का, चाहे प्रियंका चाहे राहुल गांधी, वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाना कि हम कॉन्टेस्ट में हैं और हम पर भरोसा दिखाएं। ठीक है, अब राजस्थान में आपको लिए चलता हूं। अंकित गुप्ता हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, वहां पर इस बार के चुनाव में लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं या फिर कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति है? देखिए अखिलेश, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करता हूं तो बीजेपी का पड़ा भारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 और 19 में 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार दो तीन सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के चर्चा चल रही है कि क्या बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का पड़ा भारी है लेकिन वहां पर फाइट अच्छी है। तो 25 सीटों का क्या वो जो एक बीजेपी का इतिहास रहा है पिछले दो चुनावों में जीतने का, क्या वो पूरा होगा, उसको लेकर के जो है यहां पर एक चर्चा जरूर हो रही है। यहां ये स्थानीय पत्रकार हैं दिलीप सिंह, इनसे समझ लेते हैं वो दो तीन सीटें कौन सी हैं। दिलीप, आपसे समझना चाहूंगा जो दो तीन सीटें जिसको लेकर के हो रहा है कि वहां फाइट तगड़ी हो सकती है, वो कौन सी हैं? एक तो जालोर सिरोही जहां अभी आप खड़े हैं उसके जस्ट पास में बाड़मेर की सीट है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार जो रविंदर सिंह भाटी है वो यहां मुकाबला खड़ा, जिनका सोशल मीडिया पे भी वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, वही रविंदर सिंह है। यहाँ निर्दलीय के खाते में जाने की संभावना लग रही है। दूसरी चूरू पर जो राहुल कसवा है वो तीसरी सीट सवाई माधोपुर की। चलिए अंकित, समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी धन्यवाद। लेकिन हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान है कि आप मत जरूर डालें, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए अच्छी सरकार चुनने के लिए।